स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। आप लोग के पास आप लोग की बुक होगी, आप अपनी बुक में देखो स्टॉक 1 अप्रैल 2011, तो ये ओपनिंग स्टॉक है 6800। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 6800। नेक्स्ट परचेज की एंट्री हम करेंगे, परचेज एंड सेल्स एक साथ दिया, डेबिट साइड परचेज अमाउंट है एंड क्रेडिट साइड सेल्स अमाउंट है, टू परचेज 66000। एंड देखिए रिटर्न्स दिया हुआ है, तो जो डेबिट साइड बैलेंस है वो सेल्स रिटर्न होगा एंड जो क्रेडिट साइड बैलेंस है वो परचेज रिटर्न होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट साइड करते थे जनरल एंट्री में एंड सेल्स रिटर्न की एंट्री हम डेबिट साइड करते थे। तो रिटर्न्स दिया हुआ है तो आप लोग समझ जाना, लेस करेंगे लेस परचेज रिटर्न 1500। एंड देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखिए, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग 4000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। प्राइवेट यूज के लिए परचेज किया गया है तो वो ड्रॉइंग हो गया एंड वो परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया है, तो परचेज में से हम वो लेस कर देंगे। पहले हम ये लेस करेंगे, ये हो जाएगा 64,500 लेस ड्रॉइंग्स 4,000, ये हो जाएगा 60,500। नेक्स्ट देखिए कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है एंड कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड मीन्स होता है रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आया तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। एंड कैरेज आउटवर्ड हम किसे कहते हैं, कैरेज आउटवर्ड मीन्स गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, मीन्स बिकने जा रहा है, सेल होने जा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो कैरेज इनवर्ड की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, टू कैरेज इनवर्ड 3000। नेक्स्ट क्रेडिट साइड हम देखेंगे, सेल्स दिया हुआ है 1,10,000, सेल्स 1,10,000 लेस सेल्स रिटर्न, रिटर्न में जो डेबिट बैलेंस है वो सेल्स रिटर्न होगा 8,000, लेस करेंगे ये हो जाएगा 1,02,000। एडजस्टमेंट में देखिए लास्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं, यहाँ हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, मैंने यहाँ 2 लगाया हुआ है, बाय आप लोग लगा लेना, आप लोग अपनी कॉपी में 2 एंड बाय की एंट्री कर लेना, डेबिट साइड 2 होता है एंड क्रेडिट साइड बाय होता है, यहाँ हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 7000। इतने ही आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए हम डेबिट साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70,300 एंड क्रेडिट साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,09,000। आप अपनी कॉपी में ये मत लिखना, मैं बस ये समझाने के लिए आपको यहाँ लिख देती हूँ। लेस करेंगे ये हो जाएगा 38,700। डेबिट साइड अमाउंट कम है तो यहाँ हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 38,700। आप अपने बुक में आंसर मैच कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ 38,700, टोटल हम कर लेंगे 1,09,000 एंड 1,09,000। नेक्स्ट अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, यहाँ हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,700। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट डेबिट साइड में दिया हुआ है तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 300। यहाँ लिखा हुआ है बैड डेट्स, तो देखिए अब हम बैड डेट्स की एंट्री कैसे करते हैं, बैड डेट्स हमारा लॉस होता है तो वो डेबिट साइड उसकी एंट्री होगी, बैड डेट्स 500। अब देखिए यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर, आप अपनी बुक में ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड अमाउंट दिया हुआ है 700, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दिया हो उसको हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। एंड देखिए एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट ई में देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर मींस एडजस्टमेंट में ये प्रोविजन दिया हुआ है, तो जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया रहा है उसे हम न्यू प्रोविजन कहते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत क्लियरली समझाया है, आप चाहो तो मेरा वो वाला वीडियो देख लो,
यहाँ भी मैं समझा दे रही हूँ। तो देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 700, इसे हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं, ओल्ड प्रोविजन, एंड ओल्ड प्रोविजन हम लेस करते हैं, एंड ट्रायल बैलेंस के बाहर मीन्स एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन दिया हुआ है उसे हम न्यू प्रोविजन कहते हैं, न्यू प्रोविजन, एंड न्यू प्रोविजन को हम बैड डेट्स में ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना दिया हुआ है 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे हम 5% कैलकुलेट करते हैं। डेटर दिया हुआ है 20,000, यहाँ 20,000 इंटू 5/100, 1,000, 1,000 आया, 1,000 हम बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। यहाँ पूरा पूरा न्यू प्रोविजन लिखना, मैंने एनपी बस लिख दिया है, आप लोग एनपी मत लिखना, एग्जाम में आपके गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,000, ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 1,500, एंड देखिए ट्रायल बैलेंस के जो अंदर दिया हुआ है हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं, तो ओल्ड प्रोविजन हम लेस करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे लेस ओल्ड प्रोविजन 700, ये हो जाएगा 800, माइनस करके हो जाएगा 800। बैड डेट्स की एंट्री हमने कर ली, अब देखिए ये हो जाएगा टू कैरेज आउटवर्ड, नेक्स्ट देखिए सैलरीज दिया हुआ है, तो सैलरीज की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, टू सैलरीज, एंड एडजस्टमेंट में आप देखिए सैलरीज आउटस्टैंडिंग 200 दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, यहां हो जाएगा 9,000, ऐड आउटस्टैंडिंग 200, ये हो जाएगा 9,200। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है ये आपको पता होगा, मैंने कई बार अपने कई वीडियो में बताया, आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी सैलरी देना है, अभी मैंने दिया नहीं है, पेड इन एडवांस, मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। यहां हो जाएगा टू रेंट एंड इंश्योरेंस, एंड देखिए इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड मैंने अभी बताया प्रीपेड हम लेस करते हैं, तो रेंट एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है 3,000, यहां लिखेंगे 3,000 एंड लेस प्रीपेड, प्रीपेड हमारा लेस होता है, ये हो जाएगा 2,800। एडवर्टाइजिंग की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, टू एडवर्टाइजिंग 3,500, बाय डिस्काउंट 500, जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस 3,400, रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव हुआ इट मीन्स इनकम हुआ है, रेंट रिसीव की एंट्री हम क्रेडिट साइड करेंगे, बाय रेंट रिसीव ये हो जाएगा 300, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हम करेंगे, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगा है लैंड एंड बिल्डिंग पे एंड मोटर व्हीकल पे, लैंड एंड बिल्डिंग का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 12,000, 12,000 इंटू टू, 1/2 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/2/100, 12,000 इंटू 5/2 इंटू 1/100, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 300, आप कैलकुलेट करके देख लें, 5×6=30, 300, यहाँ हम लिखेंगे 300, एंड मोटर व्हीकल का अमाउंट दिया हुआ है 10,000, 10,000 का 20% हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2,000, ऐड कर लेंगे 2,300। सो स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी आइटम्स आएंगे, अब हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड, सो स्टूडेंट्स देखिए डेबिट साइड हम टोटल करेंगे ये हो जाएगा 24,800 एंड क्रेडिट साइड हम टोटल करेंगे ये हो जाएगा 39,500, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14,700। आप अपने बुक में मैच कर लो, नेट प्रॉफिट का आंसर हमारा आ गया टू नेट प्रॉफिट 14,700, टोटल कर लेंगे 39,500 एंड 39,500। सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे बैलेंस शीट, तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ है 30,000,
नेट प्रॉफिट हमारा आया था तो ऐड कर लेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 14,700, हो जाएगा 44,700। एंड देखिए कैपिटल में से ड्राइंग्स भी हम लेस करते हैं, तो ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग एडजस्टमेंट में देखिए, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग 4,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो ये भी ड्राइंग था, हमने परचेज में से लेस किया था, तो कैपिटल में से भी हम वो लेस कर देंगे। इसको हम कहेंगे ड्राइंग्स 4,000, ये हो जाएगा 40,700। एंड ड्राइंग्स भी दिया हुआ है 5,000, तो ड्राइंग्स भी लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स। आप चाहो तो यहाँ ड्राइंग्स लिख के 4,000 प्लस 5,000 एक साथ ऐड करके 9,000 डायरेक्ट लेस कर दो, या फिर ऐसे कर लो 5,000, ये हो जाएगा 35,700। पहले हम लाइबिलिटी साइड वाले सारे आइटम्स कर ले, तो यहाँ लिख लेंगे क्रेडिटर्स 10,000, एंड नेक्स्ट बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन की भी एंट्री हम लाइबिलिटी साइड करते हैं, यहाँ हो जाएगा बैंक लोन बिल्स पेबल की भी एंट्री हम लाइबिलिटी साइड करते हैं, तो बिल्स पेबल दिया हुआ है 2,000, यहाँ हो जाएगा 2,000। अब देखिए एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग हमारा लाइबिलिटी साइड जाता है एंड प्रीपेड एसेट साइड जाता है, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। लाइबिलिटी साइड इतनी ही आइटम्स जाएंगे, अब हम एसेट साइड में एंट्री देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डेटर्स, सबसे पहले इसमें डेटर्स लिखा हुआ है तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे, डेटर्स 20,000। देखिए डेटर्स कैसे करेंगे, बैड डेट्स भी दिया हुआ है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, डेटर्स 20,000। एंड एडजस्टमेंट में आप लोग देखिए प्रोविजन दिया हुआ है 5% ऑन डेटर्स, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको कैलकुलेट किया है, बैलेंस शीट में से हम लेस कर देते हैं, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 का 5%, 20,000 इंटू 5/100 ये हो जाएगा 1,000, 19,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, ये हो जाएगा कैश 2,000 एंड मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन भी लगा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे, मोटर व्हीकल 10,000 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था इस पे 20% का, तो 10,000 का 20% ये हो जाएगा 2,000, 8,000। बैंक, बैंक की भी इंटरम एसेट साइड करते हैं, बैंक 3,500। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगा था, तो यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 12,000 लेस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया है, ये हो जाएगा 300 लेस कर देंगे 11,700। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की भी एंट्री हम एसेट साइड करते हैं, यहाँ हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल 6,000। अब एडजस्टमेंट में देखिए प्राइवेट परचेज की एंट्री हमने कर ली, डेप्रिसिएशन की भी एंट्री हमने कर ली, सैलरीज आउटस्टैंडिंग की भी एंट्री हमने कर ली, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एसेट साइड जाता है तो इसकी भी एंट्री हम कर ले, प्रीपेड इंश्योरेंस ये हो जाएगा 200। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री हम कर ले 7,000। स्टूडेंट्स हम दोनों साइड ऐड कर लेंगे, लाइबिलिटी साइड हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57,400 एंड एसेट साइड भी हम ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 57,400।
सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.